अस्सलाम वालेकुम। मच अवेटेड बचत एक्सपो 2023 का आगाज़ यहाँ आज एक्सपो सेंटर कराची में हो गया। कई बड़े स्टेक होल्डर्स इस बचत एक्सपो के पीछे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कॉज है जिस मकसद के तहत इस बचत एक्सपो का इनेकाद किया गया। मकसद ये है जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग आए और थोड़ी बचत के साथ ख़रीदारी करके जा रहे हैं। ये कोई ज़कात या खैरात नहीं है। यहाँ पे बाकायदा लोगों को इस बात पर कायल किया गया, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, कि आपने डिस्काउंट देना है अपने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो आप दे सकते हैं, ताकि इस वक्त जो मसाइल हमारे लोगों को दिखाई दे रहे हैं उस मसाइल से किसी हद तक तो निकल सके, ख़ासकर इस रमज़ान के महीने में। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टेसोरी साहब ने आज यहाँ इफ्तिदा किया था और वो एक ब्रेन चाइल्ड भी करार दिए जा सकते हैं इस बचत एक्सपो के, क्योंकि जो एफर्ट उनके रहे, अपने दफ्तर में कई इजलास किए, उसके बाद आज भी यहाँ पर मौजूद थे, लोगों के मसाइल जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ साथ ज़फ़र अब्बास JDC के वो भी यहाँ साथ साथ खड़े हुए दिखाई दिए, हर चीज़ के अंदर जुड़े हुए दिखाई दिए। और वहीं पाकिस्तान की लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बदर एक्सपो सॉल्यूशंस और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर ज़ोहर नसीर साहब भी बिल्कुल एक एक लम्हा, एक एक चीज़ को यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरफ आप चले जाएंगे वहाँ पर आपको रश दिखाई दे रहा है, लोगों की बड़ी तादाद आई हुई है और वो चाहते हैं कि इस नादिर मौके से फ़ायदा उठाया जा सके। अभी चूँकि अफ्तार का टाइम होने वाला है और उसके बाद ये रात को 3 बजे तक ये जारी रहेगी, बल्कि सुबह 3 बजे तक जारी रहेगी, सहरी के वक्त तक। यहाँ आप देख सकते हैं लोग मुख्तलिफ़ ख़रीदारियाँ करके वापस आ रहे हैं। उनके हाथों में अगर आप देखेंगे तो थैले हैं और यहाँ से सब लोग जो है वो ख़रीदारी करके आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये कि मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि ये कोई ज़कात खैरात नहीं है, ये अपने लोगों को और उन वाइट कॉलर लोगों के लिए कि जो कहीं हाथ नहीं फैला सकते, ना वो JDC या सैलानी के दस्तरखान पे जाके बैठ सकते, उनके दस्तरखान को कहीं ना कहीं तकवीत देने के लिए, कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस सिलसिले का आगाज़ किया गया। जिस तरह आप देखेंगे ये वही चीज़ें कि जहां पर लोग ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बचत सब के लिए बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने जिस किस्म के इंतजाम किए हैं वो आप देख सकते हैं कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी। आप मेरे पीछे देखेंगे इस वक्त अफ्तार की तैयारी हो रही है, यहाँ पे बाकायदा पूरे इंतजामात किए गए अफ्तार की तैयारी के, जो मैं आपको अभी ले जाके दिखाऊंगा भी। लेकिन लोगों को लाने के लिए जो इंतजामात किए गए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार लाइनें ऐसी बनाई गई हैं कि जो सिक्योरिटी चेक से गुजर के वो लोग वहाँ से आते हैं और आने के बाद इस एक्सपो सेंटर के दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उनको कोई मसला होना नहीं चाहिए। देखिए आप बहुत सारे लोग जो यहाँ से शॉपिंग करके जा रहे हैं और ये सिलसिला चल रहा है, अफ्तारी भी जा रही है यहाँ पर बहुत सारी जो है ना, तो एक अच्छा माहौल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कॉज है, इस कॉज पे चल रहा है जो बदर एक्सपो सॉल्यूशन का कॉज दिखाई देता है, जो ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान टेसोरी का टास्क दिखाई देता है, जो JDC के ज़फ़र अब्बास का टास्क दिखाई देता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब का टास्क दिखाई देता है। और यही टास्क मेरे शहर के, मेरे मुल्क के हर शख्स का दिखाई देता है कि किसी तरीके से हमने अपने लोगों को रिलीफ देने। ऐसे लोगों की तादाद अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि जिनके लिए ज़िंदगी गुजारना खासा दुश्वार हो गया, तो ऐसे में ये कोशिश की गई है। आप जिस जगह देखेंगे, आप पीछे चले जाएंगे तो बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऊपर चले जाएंगे तो सारे गवर्नर सिंध के पैगामात चल रहे होते हैं, ज़ोहर नसीर साहब का पैगाम चल रहा होगा या पैगाम चल रहा होगा ज़फ़र अब्बास साहब का, या उनसे रिलेटेड लोगों के पैगाम चल रहे होंगे, या उन टॉप क्लास बिजनेसमैन के पैगाम चल रहे होंगे कि जिन लोगों ने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए। ये एक काविश है, एक कोशिश है। ये पहला कतरा बारिश का करार दिया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है अंदर, आइए आपको वो भी दिखाएंगे। इसके साथ साथ ज़रा अफ्तार का इंतज़ाम भी यहाँ पर हुआ हुआ है, तो लोगों के लिए क्या अफ्तार की सहूलत है ये भी आपके सामने रखेंगे। इज्जत और जिल्लत मेरे रब ने अपने हाथ में रखी है, हम सिर्फ उससे खैर मांगते हैं जो हर शह पर कादिर है। बचत एक्सपो 2023 में सबसे पहले तो आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान तेसोरी साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए। ज़रा आपके दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहें। बहुत सारी तालियों में डॉक्टर मोहम्मद कामरान तेसोरी साहब को खुशामदीद कहें। आज बचत एक्सपो 2023 जिसके बारे में आज से कोई 20 दिन पहले मुझे जेडीसी के ज़फ़र अब्बास भाई ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं ज़ुहैर भाई जो बदर एक्सपो के हैं इनके साथ बैठा हूँ और हम दोनों आपके पास आना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आप कल नहीं बल्कि आज ही आ जाए। जब मैं इनके साथ बैठा तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस बार जो रमज़ान में महंगाई का तूफ़ान है तो पहली बार एक्सपो सेंटर में जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से यहाँ बदर एक्सपो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपोज़ करते हैं जिसमें आइडियाज़ है, अमन एक्सरसाइज बहरिया की और बहुत सारी इनगिनत एक्सपोज होती हैं। तो पहली बार आवाम के लिए एक बचत एक्सपो की जाए। तो मैंने इनसे कहा कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इसमें आपके साथ हूँ। और फिर हमने गवर्नर हाउस में कराची के सभी बिजनेसमैनों को जो कि आटा, घी, चीनी, नमक, दाल और सब्ज़ी मंडी के जो बड़े आड़ती हैं, बड़े व्यापारी हैं वहाँ के, उन सबको बुलाया। और वहाँ मैंने सिर्फ़ उनसे एक ही दरख्वास्त की, एक ही रिक्वेस्ट की कि इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है, गरीब आदमी इसमें पिस गया है। अगर आप कुछ कर सकते हैं, सारी ज़िंदगी आपने कमाया है, सारी ज़िंदगी इस मुल्क ने, इस वतन ने आपको सब कुछ दिया है, आज आपका टाइम है कि इस महंगाई में जो कि एक तूफ़ान की सूरत में आई है इसमें आप लोगों का साथ दें और उन मिडिल क्लास लोगों का जो इसमें ज़्यादा पिस गए हैं। तो दरख्वास्त, रिक्वेस्ट यही थी कि कम से कम 30%, 25%, 20% डिस्काउंट एक्चुअल रेट पे दें। मुनाफाखोरी वाले बचत बाज़ार ना हो, ये ना ही यहाँ पर लोगों की जेबें खाली की जाएं। अगर अल्लाह का डर और खौफ है तो फिर इसमें कदम आगे बढ़ाइएगा। उन सभी ने वहाँ वादा किया और उस वादे की बुनियाद पर हमने, ज़ुहैर भाई खड़े हैं बदर एक्सपो के जो ऑनर हैं, यहाँ ज़फ़र भाई खड़े हैं, उस नेक नियति के साथ इस कदम को आगे बढ़ाया है। आज यहाँ आने का भी मकसद इसको ओन करना है। और अभी मैं ज़फ़र भाई के साथ मैं चाहता हूँ आप मीडिया भी साथ चलें, हम जाकर भी देखें कि जो वादे इन लोगों ने हमसे वहाँ किए थे उनको ये पूरा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि असल मकसद तो ये था ना कि आवाम को फ़ायदा पहुँचे। अगर किसी भी स्टॉल पर कहीं मुनाफाखोरी नज़र आई, कहीं आवाम से ज़्यादा चार्ज करता कोई नज़र आया, तो ये मैं बदर एक्सपो के ज़ुहैर भाई से कह रहा हूँ उसका स्टॉल आप फौरी तौर पे बंद करा दें, वो यहाँ अपना कारोबार जारी नहीं रखेंगे, बिल्कुल उसके पैसे भी वापस दे दें, उसका सामान भी बंद करवाएं या वापस दे दें, मुनाफाखोरी नहीं होगी। तो यही मकसद है, इसी को लेके हम चल रहे हैं। शुक्रिया आप सबका। सिंध गवर्नमेंट इसमें क्या ताबून करेगी। देखें हम 12 अरब रुपए का आटा बांट देते हैं जो किसी ने नहीं देखा। अच्छी बात है, बंटना चाहिए, लेकिन जो असल काम हो रहा है जहाँ मिडिल क्लास के लोग आ रहे हैं वो पैसे लगा के आ रहे हैं, कोई 3 बसें चेंज करके आ रहा है, कोई रक्शे में आ रहा है। यही अभी मैंने वहाँ कहा है कि यार यहाँ कोई लैंड क्रूज़र में या मर्सिडीज़ में ख़रीदने नहीं आ रहा है। तो ये ख्याल करें उन गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का, जो बेचारी बहनें बाजियाँ अंदर ये कह रही थी कि हम पूरे दिन से यहाँ लाइन में लगे हैं, घरों पे भी जाना है उनको, अभी 3 बसें बदलनी हैं उन्होंने। तो खुदा का खौफ अगर है तो खुदा का खौफ रखते हुए आज ही तमाम यहाँ स्टॉल जो लगे हैं उनके मालकान अपने अपने मैनेजर्स को फ़ोन करें और 30 से 35% रियल डिस्काउंट कराएं। अभी जो किया गया है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर 5-10 लोगों ने शिकायत की है तो मुझे 100 लोगों ने तारीफ़ भी की है। तो हमें वो भी देखना है कि ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें और आइंदा के लिए और बेहतरी लेकर आएँ। शुक्रिया। बचत एक्सपो में जहाँ पर आपको अशिया सस्ते दामों में मिल रही है, वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ ने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए। ये भी बड़ी तवज्जो का मरकज़ है। नाना के नाम से ये स्टॉल आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर क्या कुछ है, ये वालदा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, उनकी साहबजादी दिखाई दे रही हैं, भाई दिखाई दे रहे हैं। ये फैमिली एक इसलिए फैमिलीज़ यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर फैमिलीज़ ने आपके लिए ख़ास तौर पर मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ये ज़रा थोड़े अपने स्टॉल के बारे में तो हमें बताइएगा। सर असल में हमारे स्टॉल का जो नाम है वो गिफ्ट हॉलिक्स बाय बतूल है। हम जो है कस्टमाइज गिफ्ट्स में डील करते हैं, कस्टमाइज गिफ्ट्स और ईद के जो ब्रांडेड सूट्स होते हैं उनमें डील करते हैं सारा। ये आपने स्टॉल सिर्फ यहीं लगाया है या इसके अलावा भी आप काम करते हैं? हम बहुत सारे एक्सपोज एग्जीबिशन में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। और यह कि हम वो आपकी बात ठीक है, फैमिली जब फैमिलीज़ को वेलकम करती है ना तो वो चीज़ें और अच्छा होती हैं और एक हैप्पी ईद वाला माहौल बन जाता है ऑलरेडी। ये जो बचत एक्सपो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने, गवर्नर साहब ने लगाई है आपके लिए, तो इसको बेहतर समझा आपने, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ को क्या पैगाम देंगी इस प्लेटफॉर्म से? सर ये ऑलरेडी ये बचत बाज़ार जो लग रहे हैं 50% ऑफ पे लग रहे हैं, तो मेरा सबको ये है कि आएँ और विज़िट करें और आप देखें अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइसेस लग रहे हैं तो वाई नॉट, फिर आप यहाँ से शॉपिंग करें और ईद की सारी शॉपिंग यहाँ से ही करें, ऑब्वियस सी बात है। सही बात है, तो ईद की शॉपिंग का भी पूरा मौका आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। फैमिलीज़ आ रही हैं, आके यहाँ पे ख़रीदारी भी कर रही हैं और फैमिलीज़ बेच भी रही हैं, जिनको आपने वैसे आमतौर पे शॉप पे नहीं देखा होगा, लेकिन इस बचत बाज़ार में ये फैमिलीज़ आपके इस्तकबाल के लिए भी मौजूद हैं और कम पैसों में आपको सहूलत देने के लिए भी मौजूद हैं। CCI प्योर के नाम से प्रोडक्ट्स हैं हमारी, कमांडर सिटी इंडस्ट्रीज़ प्योर, तो सारे प्रोडक्ट्स हमारे CCI प्योर हैं। इसी तरह हमारा जो टॉयलेट क्लीनर है ये भी आधी कीमत में, क्योंकि 200 का 250 ml मार्केट में है, हम 100 का दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हमारा फिनाइल है वो भी 150 रुपये का 3 लीटर का है, साबुन है, बाकी हैंड वॉश हैं, डिश वॉश हैं, तमाम चीज़ें मार्केट से बहुत सस्ती हैं और क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं। मतलब अभी तक क्वालिटी की कोई शिकायत नहीं आई है हमारे पास। तो यानी कि बचत एक्सपो में आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप तो वैसे ही इतनी बचत पूरे मुल्क को दे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बचत एक्सपो में? नहीं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सुबह से जैसे हमने स्टॉल ओपन किया उस वक्त से रश चला आ रहा था। अभी थोड़ा अफ्तार के वक्त हम थोड़ा सुकून से बैठे, तो अभी तो रात 3 बजे तक चलेगा ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चूँकि हमारा प्रोडक्ट नया है, इसने पॉपुलर होना है और वो इसकी जो क्वालिटी है वो इसे पॉपुलर करेगी। तो बचत एक्सपो में हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये प्रोडक्ट कराची में फैल जाएगा और उसके बाद जब हम आउटलेट्स खोलेंगे तो लोगों को इसकी पहचान पहले से होगी, उन्होंने इसे पहले से आजमाया होगा। लीज़ पे आप गाड़ियाँ लेते हैं, आप ज़ाहिर हम मुख्तलिफ बैंक से अप्लाई करते हैं। UBL अमीन इस्लामी बैंकिंग और उन्होंने यहाँ पर आपके लिए गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं और वो जो कहीं ना कहीं आपको मज़ीद बचत मिलेगी बचत एक्सपो में आने के बाद, चाहे आप गाड़ी ले रहे होंगे। वो बचत क्या है ज़रा हम उनके अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। ये गाड़ियाँ पहले तो लोग ये समझते थे शायद कोई लकी ड्रॉ में निकल रही होंगी, लेकिन ज़रा लोगों को क्लियर कर दें कि क्या कुछ फ़ायदा यहाँ से गाड़ी लेने की सूरत में उन्हें हो सकता है। सर यहाँ से गाड़ी लेने का मकसद ये है कि हम लोग पहली बात ये कि हम आए UBL की तरफ से, ठीक है। UBL बैंक ने अपना स्टॉल लगाया है, हम इसमें गाड़ी दे रहे हैं डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। जो नॉर्मली अगर आप हमारी ब्रांच से जाके लेते हैं तो वो रेट कुछ और है, अगर आप यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे रेट कुछ और है, प्लस ट्रैकर वगैरह जो गाड़ी में लगता है उसके रेट डिस्काउंटेड है, इंश्योरेंस डिस्काउंटेड रेट के ऊपर है, गाड़ी जो है वो कस्टमर के नेम पर होगी। ये सारी फैसिलिटीज़ उसको मिलेंगी जो आपको वैसे नहीं मिलती हैं, ब्रांच में अगर लेने जाएंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ एक्सपो में लगाने का मकसद यही है कि आपको डिस्काउंटेड रेट मिले, प्लस आपको गाड़ी आपके नाम पे हो और ट्रैकर वगैरह जो है वो आपको फ्री में मिले। तो मेरा गाड़ी के सिलसिले में भी बचत है इस बचत एक्सपो 2023 में। UBL अमीन हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तनवीर भाई भी यहाँ पर बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और ये उनका पूरा स्टाफ। मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप यहाँ आएंगे एक्सपो सेंटर में तो कहीं ना कहीं आपको कोई बचत होनी चाहिए। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला अब तक जारी है। 3 बजे तक रात को यहाँ पे रहेगी बचत एक्सपो 2023। आज पहला दिन आपने देख लिया होगा, लोगों का रश दिखाई दिया और डिस्काउंटेड रेट में जहाँ लोगों को चीज़ें दस्तयाब हैं तो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ एक्सपो सेंटर कराची का विज़िट करता हुआ दिखाई दिया। हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि अगले 2 दिन भी इसी तरीके का रश यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में होगा। तमाम फैमिलीज़ यहाँ आएँ, आके जो कुछ भी आपको दरकार है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और जितने मसाइल हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, दुनिया जिस तरह लोग परेशानी का शिकार दिखाई दे रहे हैं, उस परेशानी से बचने के लिए कहीं ना कहीं बचत एक्सपो 2023 आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। तो आज पहले दिन नसीम राजपूत को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और कल नए लोग होंगे, नए लोगों से बात भी होगी और फिर हम इन तमाम स्टॉल्स का विज़िट भी एट द सेम टाइम करके बात करते हुए दिखाई देंगे। तो इजाज़त, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।